सीकर जिले की दंतरामगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर बदमाश मुकेश लोरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं और पिछले 2 साल से पुलिस उसका पीछा कर रही थी। आज कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और उसकी गाड़ी से अवैध शराब भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से कई अनसुलझी वारदातों के खुलासा होने की भी उम्मीद है। एक अपराधी मुकेश लोरा निवासी धौलपुरा करीब 2 साल से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई थी। कल शाम को ये सूचना मिली कि अपराधी एक बोलेरो लेकर घूम रहा है काले कांच की, जिस पर 2 टीमों को रवाना किया गया। टीमों ने जब पीछा करना शुरू किया तो करीब 2 घंटे तक कच्चे पक्के रास्तों में गाड़ी भगाता रहा। अंत में पुलिस के द्वारा नावा रोड के ऊपर उसको दस्तियाब किया गया। गाड़ी के अंदर 3 पेटी अवैध शराब की मिली और मुलजिम को गाड़ी समेत गिरफ्तार किया गया है। ये मुलजिम दातारामगढ़ थाने के 2021 के मामले में, इसके अलावा 2023 के 2 मामलों में फरार चल रहा है, जो एक्सटॉर्शन, धमकी देना और मारपीट के मुकदमे। इसके अलावा नवलगढ़ के अंदर एक व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए थे, जो हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज, उसमें फरार है और अवैध शराब का धंधा करता है। इसकी गाड़ी उत्तर प्रदेश में भी पकड़ी गई थी, उस मामले में भी फरार चल रहा है। कई अन्य मामलों में फरार होने की संभावना है, जिसके लिए मालूमात की जा रही है। मुलजिम को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा और बाकी मुकदमों और साथियों के बारे में पूछताछ की जाएगी।